गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू होने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात को हाईलाइट किया है। 12 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में किसानों के साथ हुई मीटिंग में योगी ने भरोसा दिलाया है कि एयरपोर्ट बनने से जेवर के बच्चों को नौकरी जरूर मिलेगी। सीएम ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि जेवर के किसान खुशहाल रहें। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जेवर में एयरपोर्ट साइट से विस्थापित होने वाले किसानों को जहां वो चाहते हैं वहीं बसाया जाए। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी धरती से प्रेम होता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन जेवर के किसानों ने अपनी व्यक्तिगत हित को किनारे रखते हुए प्रदेश के विकास के लिए जो कदम उठाया है वो अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा है कि सरकार जेवर के लोगों के साथ है और हमेशा उनका सहयोग करेगी। सीएम ने कहा है कि जेवर और उसके आसपास के क्षेत्र में एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो जैसी परियोजनाएं आ रही हैं। आने वाले समय में ये एरिया सबसे ज़्यादा विकसित इलाका होगा। आने वाले समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जेवर के सामने फीके पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कहा गया है कि जेवर के बच्चों को रोजगार मिले इसके लिए वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित किए जाएँ। अगर वहाँ के बच्चे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का डिप्लोमा हासिल कर लेंगे तो उन्हें जेवर एयरपोर्ट पर ही नौकरी मिल सकेगी। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी एरिया में आने वाले अन्य प्रोजेक्ट्स में भी रोजगार के बड़े मौके हैं।